कल जो वर्क दिया था भाई क्या है। शायद एक ही वर्क दिया था मैंने, पहले दोनों साइड लेने पड़ेंगे। मान लो एक साइड ए हुआ और एक साइड बी, ए और बी, इन दोनों का यूनियन कौन सा होगा? इसका यूनियन हो गया। कंप्लीमेंट कौन सा आ गया इसका? ये सारा पार्ट है। इसकी जो वैल्यू है वो जो लाइनों वाला मैंने पार्ट ड्रॉ किया ये है, ठीक है। इससे देखते हैं क्या आता है। एक सेट ए है और एक सेट बी। सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए का कम्प्लीमेंट, ठीक। ए का कम्प्लीमेंट यानी कि इस ए को छोड़ते हुए सारा आ जाएगा ना। कॉम्प्लीमेंट अब क्या निकाले? बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि इस बी को छोड़ते हुए बाकी सारा। ठीक। और दोनों का क्या निकालना? इंटरसेक्शन, जो दोनों में है, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो सारे में स्क्वायर बने हुए हैं। ना तो स्क्वायर इसमें बने, बने तो नहीं कहीं भी, ना स्क्वायर इसमें बने, बाकी सारे में बन गए। और ये स्क्वायर वाला वही हिस्सा है जो यो सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, तो प्रूव हो गया ना, ठीक है। जिनमें आपस में कोई कनेक्शन ना हो, यानी कि एक दूसरे से कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, ये सारे के सारे अलग। अगर एक मैं वेन डायग्राम बनाऊं, ये सेट ए, ये सेट, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये क्या है? ऐसे ही इसका जो हिस्सा है ये क्या होगा? जो हिस्सा बीच में बचा है ये क्या है? क्या इनका कोई पार्ट से एक दूसरे से कॉमन है इनमें?
ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए में कुछ कॉमन है, सारे अलग अलग हैं ना, ठीक है। तो ये जो सेट हैं ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट। कैसे सेट हैं? डिसजॉइंट सेट, यानी कि आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, या ना इनको जोड़ा जा सकता। आप एक इस तरह से, अब ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, अगर हम दोनों के इकट्ठे पार्ट को उसको लिखें, हम क्या ऐसा हम ए यूनियन बी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? नहीं सर। तो नंबर ओ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ओ ए माइनस बी प्लस नंबर ओ ए इंटरसेक्शन बी नंबर ओ बी माइनस ए लिखा जा सकता है? नहीं। अभी तो आपने यहाँ पर माइनस एन। अच्छा, तो वहाँ एन ए और एन बी भी तो थे, यहाँ क्या है जरा? ये तीनों चीज़ मैंने वही तो लिखी हैं जो अभी अलग अलग मैंने आपको दिखाई हैं। यहाँ मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो ये यूनियन पार्ट है, ये तीनों इस रूप में तोड़ के लिखे जा सकता है, नहीं लिखे जा सकता या नहीं लिख सकते? ये सारा दोनों ए यूनियन बी है, ये इतना जो पार्ट है ये ए माइनस बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है और ये बी माइनस ए है। लिख नहीं सकते क्या? मैं दूसरे बार वही तो लिखा मैंने, इसे भूल जाओ जी। इस फार्मूले में इसकी सिर्फ लेफ्ट साइड इक्वल दिख रही है आपको, राइट साइड में यहाँ इंटरसेक्शन बी है, ये प्लस में यहाँ माइनस में, एन ए एन बी इसमें है ही नहीं है क्या? तो फिर क्यों उससे कह रहे जी वहाँ आपने माइनस में लिखा? समझ में आ गया? यदि हम इस टर्म को इकट्ठा कर दें पहले वाले, यानी कि अब इसमें हम एक काम करेंगे, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये टर्म जो कि तो है, पहली दोनों टर्म सेम है, ये वाली टर्म सेम है, इसको एक बार जोड़ दिया और एक बार उठा दिया, ठीक है। अब इसको और इसको इकट्ठा सोचो और इसको और इसको इकट्ठा सोचो। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है लेकिन वेन डायग्राम से आसान हो जाता है। एन ए माइनस बी, ये वाला पार्ट, ये क्या है? एन ए माइनस बी, और ये क्या है? इंटरसेक्शन बी। इन दोनों को मिलाने से क्या बन गया? क्या बन गया? तो इसे इतने को लिख दो नंबर ओ, ये लिख सकता हूँ, इसे क्या लिखूँ मैं बताओ? नंबर ओ और आगे क्या बचा? ये किसके इक्विवेलेंट है? नंबर ओ ए यूनियन बी। ये हो गया प्रूव। ये प्रूव का वो काम है जिसको कोई भी टीचर करके नहीं दिखाता कभी भी, कहीं नहीं करता प्रूव, या तो दबा देना याद कर लो। जो वर्ड बजी करिए, ये इसलिए बताया मैंने ताकि तुम्हारे दिमाग की कुछ गुत्थियाँ खुलें, क्योंकि अगर आपने पहले भी कभी कोई डेरिवेशन किए हों, टेंथ में किए होंगे, आपने इलेवन ट्वेल्थ में कुछ फॉर्म पढ़ी होंगी, तो कुछ चीज़ें अपनी तरफ से जोड़नी है, हमें घटानी पड़ती है, उस फॉर्म में हमें लानी पड़ती है।
एक डेरिवेशन है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, इक्वल टू एन ए एन बी एन सी हमें प्रूव करना है। करो प्रूव। देखिए अब तक हमें जितना हमें पढ़ा है हमें सिर्फ इतना समझ में आ रहा है, ये तो हमें लाना है, ये हमारे पास है, इससे कैसे इसको बनाए। इसमें एक काम करते हैं, यहाँ पे यूनियन को अलग ब्रेक कर लेते हैं। इस पैसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन, ऐसे समझ लो। अब ए यूनियन बी का जो फार्मूला लगाएंगे एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सलम आ गया। ये यहाँ भी कोई समस्या है, कौन सा ये वाला इंटरसेक्शन आया जो तो 5 मिनट लेट आए ना 5 मिनट लेट हो गया ना, तो 5 मिनट लेट में काम खराब हो गया। पहले एक फॉर्मूला लिखवा था हमने, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। वहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसको ए मानना, इसको बी मान के, यानी कि हमने दोनों पे इस पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये भी टूट गया, ये भी टूट गया। आगे से चाहे थोड़ा और तोड़ लें, एन ए इसका लगा दें एन बी प्लस एन सी प्लस माइनस, ठीक है। अब बचे भाई साहब ये, इनको अलग ले लेते हैं। ये हमारे पास है क्योंकि देखिए अगर हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन, डिस्ट्रीब्यूशन ला पढ़ाया था। डिस्ट्रीब्यूशन ला से क्या लिखा जाएगा, ये बोलो ए ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद घर नहीं पता यूनियन लिख सकते हैं नहीं। इसी के साथ अगर एन लगा दें हम तो एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ओ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। एन लगा दिया किसी भी चीज़ के नंबर, भाई नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, भाई यू क्या है, ये सारा है तो एक सेट ही है। उससे पहले उस सेट में अब नंबर लगा दिया हमने तो फॉर्म तो उसकी जुगी तो रहेगी, ठीक है। इसमें कुछ लगा सकते हैं फार्मूला, इसको अगर हम ए यूनियन बी मान लें, क्या मान लें इसको, तो नंबर ओ ए प्लस नंबर ओ बी माइनस नंबर ओ ए इंटरसेक्शन ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बताओ, यहाँ तक समझ में आ रहा या ऊपर को जा रहा।
बताओ। इतना समझ में आया? आगे चलो। एन ए इंटरसेक्शन बी जो बात हुई है वाला, एन ए इंटरसेक्शन सी ये जो बात हूँ माइनस ए का बी से इंटरसेक्शन, ठीक है, यहाँ ए का इंटरसेक्शन सी से, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी? लिखें जा सकता भाई, तीनों में जो इंटरसेक्शन है सारे में वही तो आएगा, तो यानी कि ये जो रिपीटेशन ए है ये हमने इसका ख़त्म कर दिया। ये एक तरह से अगर इसको लिखना चाहो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन अपर इंटरसेक्शन हो रहा है उसको मैंने इकट्ठा कर दिया, ये समझ लो है नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख दिया। अब दिस वन प्लस एंड दिस वन इज माइनस, अगर इस वैल्यू को हम यहाँ रिप्लेस कर दें, कहाँ कर दें, यहाँ पे, देखिए ये आ गया, ये आया, ये आया, ये आ गई यहाँ तक इस टर्म पर, इसकी वैल्यू रखनी थी ना हमें माइनस, इसकी जगह हम रखेंगे अब ये कहाँ में आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा इंटरसेक्शन बी, ये भी क्या होगा माइनस में होगा बी इंटरसेक्शन सी, और ये किस में हो जाएगा हो गया प्रूफ। इक्वेशन मैंने कोई नहीं बनाया कि नंबर एक इक्वेशन ये है या नंबर दो इक्वेशन करके जैसे भी है, अभी सबने हिसाब से लिख लो क्या इसमें तोड़ तोड़ कर ये इक्वेशन बनाओ इसकी, बताओ यहाँ लिखेंगे हम एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये इक्वेशन नंबर एक बन गया, कौन से वाली ये वाली, ठीक। नाउ यहाँ लेंगे ये वाला पॉइंट इक्वल टू, इसके बाद ये आया हमारा, ठीक है, इसको इक्वेशन टू बन गए, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, भाई इसे ही तो सब्स्टिट्यूट करना हो उसमें उसकी जगह, जब उसकी जगह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एन, अभी मत लिखो एक मिनट, पहले सब्स्टिट्यूट हो जाऊंगे ए यूनियन बी यूनियन सी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये थोड़ा इंजीनियरिंग की लेवल की बात है,
एक एग्जांपल 24 दिया हुआ है, तो आपकी बुक में इन योर स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। 20 टीचर्स ऐसे हैं जो या तो मैथ पढ़ाते हैं या ठीक है, ऑफ दी उनमें से ही 12 टीच मैथमेटिक्स। ठीक है, तो जो 12 टीचर्स हैं वो क्या पढ़ाते हैं? मैथ्स। एंड 4 टीच बोथ। 4 जो हैं दोनों। हाउ मैनी टीच फिजिक्स? मैंने कल बताया था आपको कि अगर एंड है तो उसका मतलब और का मतलब। अब 20 टीचर ऐसे हैं जो है तो मैथ पढ़ा रहे हैं या फिजिक्स को मिला के दोनों पढ़ा रहे हैं। ठीक, अगर मैथ्स को मैं एम से रिप्रेजेंट कर दूँ और फिजिक्स को पी से रिप्रेजेंट कर दूँ और उनके बीच में यूनियन लगा दूँ और नंबर ऑफ कर दूँ, तो क्या मैं इसको सही लिखता है? ये बताओ भैया, तो मैथ पढ़ा रहे या फिजिक्स पढ़ा रहे, उनकी संख्या कितनी है? नंबर ऑफ मैथ वाले कितने हैं? 12। और बोथ वाले नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इक्वल टू 4। क्या गलत लिखा हमने इस लाइन को? मैथ एंड फिजिक्स क्या गलत लिखा है? ये लिख सकता नहीं, बोथ का मतलब दोनों, मैथ भी और फिजिक्स भी, मैथमेटिकल फॉर्म में आ गए। अब कल एक हथियार दिया था आपको, नंबर ओ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। ठीक, इस फॉर्मूले में रखकर निकाल लो क्या रहा। यूनियन की वैल्यू 20, एक सब्जेक्ट की वैल्यू 12, दूसरे की पूछ रहा है ये इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है? 4। 12 में 4 गए 8, 20 में 60 गए कितने बचे? तो फिजिक्स पढ़ाने वालों की नहीं आ गई। कितनी आई आंसर देखना क्या है इसको। ठीक है, 12 ही फिजिक्स पढ़ा रहे, 12 ही मैथ पढ़ा रहे, कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने किया इस फार्मूले की हेल्प से, अब मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो रीजनिंग में भी काम आती है, जगह जगह काम आएगी। इसको हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। कैसे? ये मैथ पढ़ाने वाले और ये अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है क्वेश्चन तो हम फिर वेन डायग्राम से हम स्टार्ट करते हैं कि दोनों करने वाले, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस कॉमन से, दोनों पढ़ाने वाले कितने लोग हैं? टोटल कितने हैं? 20 बता रखिए। ठीक है, और मैथ पढ़ाने वाले कितने, ये मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं, यानी कि ये सारे कितने हैं? 12। 4 तो हमने लिख लिए, ये कितने हो गए? 8 और 4 12। और कितना बचे, टोटल कितने थे? 20। तो कितने बच गए और ये वाले? भाई 8 और 4 तो हो गए हमारे 12, टोटल 20 थे, तो ये कितने रह गए वाला हिस्सा? 8। फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हो गए?
ये 12 नहीं होगी। देखो इसकी बात करूँ ये केवल मैथ पढ़ाते हैं, इनकी बात करूँ ये केवल मैथ पढ़ाने वाले, ये चार जो हैं ये दोनों पढ़ाने वाले, और इनको जो ये 12 आए इनको हम कह सकते हैं कि ये मैथ पढ़ाते हैं, इन 12 को कह सकते हैं कि ये फिजिक्स पढ़ाते हैं। समझो डिफरेंस, ही टीच फिजिक्स, अरे ही टीच ओनली फिजिक्स, दोनों में डिफरेंस है। ओनली का मतलब वो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ाते। ये बहुत आसान मैथ होता है, ये बस सिर्फ ये डायग्राम बनाना होता है और उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये हम कर पाते हैं उसी को जिसमें इंटरसेक्शन दिया हुआ हो, अगर किसी में इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ फिर क्वेश्चन खुल जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल एक देख लो आपको, इसके बाद से कार्टेशियन प्रोडक्ट पे चले, क्योंकि हमारा टारगेट क्वेश्चन करना नहीं है, हमें 11th के क्वेश्चन करने, आप लोगों को तो करने होंगे 11th में, शुरुआत सिलेबस में ही नहीं है ये, है पढ़ा रहे स्कूल में, यही स्कूल में गए पढ़ाया नहीं, टीचर पे भी नहीं पढ़ाया, क्या पढ़ा रहे फिलहाल स्टार्टिंग ही ट्रिग्नोमेट्री से वो शुरू में सही पढ़ाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगे ना खेल पाओ फालतू की लाइन है, खेलने सब मतलब कि खेलने को चाहिए, और कम से कम का मतलब ये होता है, अगर इसको मैं इंग्लिश में बताऊंगा इसको बोलते हैं एट लिस्ट, कम से मान लिया कहीं पे
कोई कंपटीशन हो रहा, ठीक है, जैसे ओलंपिक होते हैं, कई तरह के गेम होते हैं उसमें। अब उसमें कंडीशन ये है कि भाई जितने प्लेयर इंडिया से जा रहे हो कम से कम एक गेम में तो खेल लेंगे, कम से कम एक में खेलने का मतलब क्या होता है, वो एक गेम में भी खेल सकता है, वो दो में भी खेल सकता है, वो तीन में भी खेल सकता है, ठीक। एक होता है मैक्सिमम, अधिकतम दो खेल में, तो फिर अधिकतम दो का मतलब वो दो से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये टर्म एटलीस्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसमें प्रोबेबिलिटी में बहुत आएगी, ठीक है। टेंथ में तो पढ़ी होगी प्राइक्ट का, सेट तो आपका हुआ फिर, ठीक है। मैं सोच रहा था कि शायद दो दिन बाद आपका जे के कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन अभी लग रहा मुझे दो की बजाय तीन दिन लगे। अब चलते हैं हम रिलेशन एंड फंक्शन, क्योंकि जब रिलेशन और फंक्शन की बात करते हैं तो रिलेशन अपने आप में एक वर्ड है, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या सिंगल आदमी का कोई रिलेशन होता है, एक व्यक्ति अगर कोई एक चीज़ है, क्या वह रिलेशन में होगी, नहीं है। तो रिलेशन के लिए एंड रिलेशन है, क्या वही वर्ड है। एट लिस्ट के लिए चीज़ें चाहिए, एट लिस्ट हमें दो आइटम तो चाहिए चाहिए कम से कम, जब तो रिलेशन होगा तो हमें, समझ रहे आप। रिलेशन के लिए हमें कम से कम कितनी चीज़ें चाहिए, दो। रिलेशन क्या होता है और क्या चीज़ें होती हैं वो हम थोड़े बाद में चर्चा करेंगे, उससे पहले हमें जो चर्चा करनी है वो करनी है कार्टेशियन प्रोडक्ट। हिंदी में यही बोलने को छोड़ दिया, गुणन फल यही दे रखा है, कुछ कार्तीय गुणन फल ये भी छोड़ दिया, कार्तीय गुणन या कार्तीय गुणन फल जो दिया, ठीक है। अब हमने जो गुणा करी आज तक, या तो 4 × 3 करके 3 × 4 = 12 है, या हमने क्या मल्टीप्लीकेशन की, ये वाली की, ये की ना हमने, इसकी इसमें इसकी इसमें इसकी इसमें इसकी इसमें, ये सब वो जोड़ कर लिख देते थे, ठीक। ये थी एक तरह से ऑन नंबर्स, यानी कि ये सारी चीज़ें हमारी किस पर करते थे हम, नंबर्स। लेकिन अगर हम दो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन करें तो उसकी कैसे हो, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई टू सेट, उसका जो रूप आएगा वो कैसा होगा, सोचने वाली बात है। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो होता है दो सेट्स में मल्टीप्लीकेशन एक तरह से, कार्तीय तल पढ़ा था जी, कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट जानते हो, निर्देशांक क्या होता है, कोऑर्डिनेट अगर मैं पूछूं किस बिंदु पे कोऑर्डिनेट 2 व 3 है तो उसका मतलब क्या है, एक्स टू है वाई थ्री है, एक्स टू का मतलब एक्स एक्स पर है तो ठीक। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम करते हैं, जब हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन हमने की नंबर्स की तो हमारे पास क्या आया, एक नंबर आया। लेकिन जब
हम इन्हीं दो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास से हैं ऑर्डर्ड पेयर। पेयर मैंने, पेयर मैंने क्या होते हैं जोड़ा, और ऑर्डर्ड जो एक ऑर्डर से हैं, यानी कि बिना ऑर्डर के नहीं। तो एक ऑर्डर पेयर बनता है, ठीक है। ऑर्डर पेयर कैसे, जैसे कि एक, ये भी एक ऑर्डर पेयर है, इसमें दो नंबर लिखे हुए होते हैं, बीच में कोमा लगाते हैं और छोटा ब्रेक। ये क्या बन गया, एक ऑर्डर क्या बना है, कोऑर्डिनेट भी क्या है, ऑर्डर पेयर है। कार्टेजियन प्रोडक्ट इसको यही बोला गया, ये जो प्लेन होता है इसी को पार्थिव तल बोलते हैं, जिसमें एक्स एक्स और वाई एक्स होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, हम कार्टेजियन प्लेन बोलते हैं। और इस पर जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो कार्टेजियन प्रोडक्ट कहलाता है। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी, इसमें एक एग्जांपल ले लो आप, अगर हमारे पास दो कलर हैं, ब्लू है एक ग्रीन, ठीक, और हमारे पास ब्लू और ग्रीन कलर हो गया, एक हमारी टी शर्ट, एक शर्ट, एक एंटी अगर हम ले लेते हैं, मेरे दो तो कलर हैं और हमें इन कलर की हमारे पास क्या है, टी शर्ट भी है, शर्ट भी है और हैंकी भी है, यानी कि रुमाल। तो इसके ब्लू और ग्रीन कलर के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ब्लू हमारे पास हैंकी भी हो सकता है, ब्लू शर्ट भी हो सकती है, ब्लू टी शर्ट भी हो सकती है, ग्रीन हैंकी भी होगा, ग्रीन शर्ट भी हो सकती है, सारी चीज़ें हमारे पास हैं। अब हमें इन दोनों में से एक एक चीज़ लेके जानी है, तो कौन कौन सी चीज़ लेके जा सकते हैं, कितने चांसेस हैं हमारे पास, कितने हैं, सिक्स। कैसे निकाल लेंगे, दो चीज़ें तो ये हैं हमारे पास, तीन चीज़ें ही हैं, जितनी जगह इन्होंने कट किया उतनी तरह के पेयर बन गए, ग्रीन हैंकी, ग्रीन शर्ट, ग्रीन टी शर्ट, ब्लू हैंकी, ब्लू शर्ट, ब्लू टी शर्ट, इतने हमारे पेयर बन गए या इतने हमारे कॉम्बिनेशन बन गए। हम इस तरह से कुछ भी ले करके जा सकते हैं, यानी कि जो दो सेट थे, एक सेट को हमारे पास कलर था, एक सेट अलग कलर के नेम थे, और एक सेट हमारे पास क्लोथ का था, तो उन दोनों को मिलाकर जितने कॉम्बिनेशन बने वो उन दोनों सेट्स का कार्टेजियन प्रोडक्ट है, ठीक है। ये थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा हो, अभी एक दो जगह और चर्चा करेंगे वो समझ में आएगा। अभी एक संख्या दो है, एक संख्या तीन है, हमें हमारे पास चार संख्या इस तरह अगर और देते हैं, तीन संख्या इनके साथ इनके पेयर बनाए, कॉम्बिनेशन बनाए, बनाने का तरीका क्या है, क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, टू के साथ हम क्या ले सकते हैं, फोर भी ले सकते हैं, टू के साथ हम, टू के साथ थ्री के साथ, थ्री के साथ और थ्री के साथ, इतने कॉम्बिनेशन बन गए, या कहें इतने क्या बने, पेयर, पेयर ही है दो नंबर्स का, और कैसे हैं, ये ऑर्डर में हैं, अपना एक ऑर्डर होता है इनका, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर। अब कितने ऑर्डर पड़े, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट टू, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अदर सेट थ्री, और दोनों भी मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं कहूँ एक सेट में, एक एग्जांपल और ले लो, एक सेट ए में हमारे पास वन टू एलिमेंट हैं, दूसरे सेट में हमारे ए बी एलिमेंट हैं, अगर हम इनका कार्टेजियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे, हम दोनों सेट को ऐसे लिखेंगे ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी, उनकी मल्टीप्लीकेशन से क्या आएंगे, ऑर्डर पेयर।
वन का वन के साथ ए, वन के साथ टू के साथ ए, टू के साथ ये इनके ऑर्डर, यानी कि सेट ए के जितने एलिमेंट हैं और सेट बी में जितने एलिमेंट हैं उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उतने ही ऑर्डर दे रहा हमारे बनते हैं। तो क्या हम किन्हीं दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? और ये जितने भी कोऑर्डिनेट ये हैं ऑर्डर पेयर, ये कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट पे सो दिखाए जा सकते हैं अगर नंबर्स हैं। अगर यहाँ शर्ट बनियान दिखा दूँगा तो फिर थोड़ी आ जाएंगे कोऑर्डिनेट पे। कोऑर्डिनेट के लिए हमारा क्या है, नंबर से सिस्टम। इतनी चीज़ समझ में आई? जो बुक्स में जो दिया हुआ है कार के उन्होंने जरा उसे एक बार पढ़ो, पढ़ते चले जाओ। कार्टेशियन प्रोडक्ट और सेट से लेकर के और जो दूसरा डायग्राम तक बना हुआ है वहाँ तक
आगे कोई चीज़ मुझे समझ ना आई फिलहाल। दूसरी सिटी तक पढ़ लिया, बाद दूसरी सिटी पढ़नी नीचे देखो। Cartesian product सबसे पहले लिखा गिवन टू नॉन एंटिटी सेट। इससे तो डरने की जरूरत नहीं है, इससे डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसका मतलब ये है कि सेट नल सेट नहीं है या एंटिटी सेट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ है, चाहे एक एलिमेंट हो चाहे 1000 एलिमेंट। अब दो सेट ले लिए, एक पी लिया और एक क्यू लिया, उन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी क्रॉस का निशान लगाया और क्यू। ठीक, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो मान आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑर्डर पेयर के रूप में। और ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे, जिसमें हम पी से भी एलिमेंट लेंगे और क्यू के भी एलिमेंट लेके जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वही हमारा पी और क्रॉस क्यू होता है। प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, किसका सेट है वो सारे ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी एंड क्यू, यानी कि पी और क्यू के सारे एलिमेंटों को लेकर के जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उनका जो सेट है वो पी क्रॉस क्यू है, समझे। दैट इज अगर ये वन है ये टू है एक सेट तो ये हो गया, एक सेट हमारे पास ए और बी हो गया,
इसको लेकर के ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ऑर्डर पेयर में इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला, ये पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका पहला, ये बनेंगे ऑर्डर पेयर। इससे ज़्यादा बन सके हैं ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, जितने दोनों में एलिमेंट है उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर तो बनेंगे। समझ में आ रहा? तो जितने भी ऑर्डर पेयर बने, इन ऑर्डर पेयर का जो सेट है, ठीक, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, वो उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ई क्रॉस की जो मैंने लिखा वो, हाँ वो तो लिखा लैंग्वेज में, ऊपर जो तीन लाइनें लिखी, ये है सेट फॉर्म में। क्या सेट फॉर्म में? ये वाला ही कह रहे ना, ये वाला, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू, पी क्रॉस क्यू क्या है, हम ऐसे लिखते थे ना, एक्स इज दैट द सेट ऑफ ऑल एक्स इज दैट एक्स, ये लिखे ना हमने सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ये जो है कैसा होगा, ऐसा होगा, ऑर्डर पेयर है ना, दोनों के एलिमेंट है, बीच में कॉमा है, छोटा ब्रैकेट लगा रखा है, एलिमेंट तो है, इस फॉर्म में होगा, लेकिन पी जो है कहाँ से आएगा, पी में से, क्यू कहाँ से आएगा, इस क्यू में से। समझ रहे? यानी कि जिनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, जो पहला है उसी का ही एलिमेंट पहले आएगा, जिसको हम पहले रखेंगे ना उसी का एलिमेंट पहला आएगा। ऐसा ना कर ले जैसे कि इसमें हम 2a को a2 लिख दें, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर? दूसरा यहीं पे समझो। अब आप बताना, अगर इन दोनों सेट में से कोई एक सेट, जो दो सेट हमने पी और क्यू लिए, इन दोनों सेट में से अगर एक सेट एम्प्टी सेट हो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? पी आएगा, पी क्या है, सेट है, और जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो ऑर्डर पेयर में आएगा, इसका मतलब वही ऑर्डर पेयर बनेंगे ही नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट संभव नहीं है। तो कह सकते हैं कि दोनों के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो होगा आपका, लिख लो, इफ ए या बी आर एम्प्टी सेट, देन ए क्रॉस बी दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी फाई आएगा। समझे? दोनों सेट में से एक फाई है तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? ठीक, अगर दोनों सेट में से एक सेट इनफाइनाइट है तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? समझ रहे? ये चीज को इंटर में आपने पढ़ ली होगी, उसमें क्या नाम, जो सीरीज बनाते हैं, लिखना चाहो लिख लो, लिखना चाहो
आईआईटी के लिए तो आपको समझो बराबर लाख चांस होगा। क्या वो एक करोड़ दो साल तक तो इसे ही पढ़ते, लेकिन इतना है कि पहले से इलेवन ट्वेल्थ का जितना सिलेबस है मतलब एटलीस्ट यहाँ जो मैं पढ़ाया जाएगा जो कम से कम नहीं पढ़ाऊंगा उसे अच्छी तरह तैयार करो। देखो उससे आपका आई पी लेवल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पता नहीं ये पढ़ाएगा आपके दौरे को नहीं जाने का यहाँ पढ़ाएगा, ये गारंटी मैं कह रहा हूँ।
अगर यहाँ पे आपने सारे लेक्चर अटेंड कर लिए, वायदे भी मैंने पढ़ा था, तो समझ लिए कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको सक्सेस होने से रोक, नौकरी आपकी पक्की है, ये लेवल आपका हो जाएगा, समझ रहे। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आप पढ़ लो इंडिया का एग्ज़ाम दियो, मैं 120 में तो 100 प्लस क्वेश्चन कर जाऊँगी, 100 प्लस क्वेश्चन और मेरिट कंबाइन लग दिया इंडिया के। यही 11th 12th नहीं, 11th 12th का बाप हो गए, जैसा आपका ITJEE से थोड़ा ही हल्का है। देखिए अगर हमारे पास दो ऑर्डर पेयर हैं, इस तरह के ऑर्डर पेयर हमारे कोई, ये दोनों इक्वल उसी कंडीशन में होंगे यदि इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, क्या हो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। मैंने कहा भाई दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं इसका मतलब ये है कि ए इक्वल टू वन है और बी इक्वल टू टू, समझ गए। अब दो सेट हैं, एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट पी हैं, दूसरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्यों हैं, एक सेट में छोड़ दो से अब तो छुट्टी होने वाली, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट पी, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू, तो जो एक ऑर्डर पेयर बनेगा इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, पी इंटू करके दिखाई चुके हैं आपको पहले, एक है कि ए और बी में से अगर कोई एक एम्प्टी है तो क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, अगर एक इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट आएगा, इसमें लास्ट है। ये था आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का, अगर सपोज करो तीन सेट की आप अपने इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो जो ऑर्डर पेयर आएगा वो ए बी सी की फॉर्म में आएगा ना, बताओ कितना आएगा, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, क्या बोलते हैं, जब दो आ रहे थे तो ऑर्डर पेयर, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अच्छा एक सेट हमारे पास ये है एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर और दूसरा सेट भी नेचुरल नंबर है, तो जो ऑर्डर पेयर आएंगे रिलेशन में दे। अब देखिए इसमें जो आपको होमवर्क है, एग्जांपल वन, एग्जांपल टू, एग्जांपल थ्री, एग्जाम्पल फोर और एग्जाम्पल फाइव, ये आपको ऐसे करके लाना, यानी कि पढ़ के आना है, इनमें से कोई सर मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि देखिए जल्दी करना है तो मैं भी कोशिश कर रहा, लेकिन करूँ क्या, मैं तो कोई चीज़ छोड़ के चल दूँ, जैसे सोच रहा था ना 5 दिन में पूरा हो जाएगा रिलेशन एंड, तो मुझे लग रहा है कि 5 के लिए 6 दिन लगता है वाई कार्ड डेन प्रोडक्ट का, पूछे कलम रिलेशन रिलेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन करने की ज़्यादा जल्दी होनी है, मगर इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चन करने की ज़्यादा जल्दी तो नहीं है ना, या आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे कंसेप्ट पहले से ही क्लियर थे, अब हम फालतू में खा जा रहा, ये
समझो अगर आपने ये सीख लिया ना, फिर थोड़ा बहुत ये कहीं से कुछ टिपिकल चीज़ें हैं, तो मैथ में इतनी चीज़ें अपनी सबसे खतरनाक क्या है आमंगे उनमें, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक वो खबर हो जाती है। क्या करें 10 लेक्चर है इसके, लेक्चर लिमिटेड है, ऊपर से नहीं आया। 10 लेक्चर इसके हैं, 9 लेक्चर इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दे रखा।